नमस्कार, आप देख रहे हैं जिस बिहार रियासना आपके साथ है। हम मौजूद हैं उस पुल पर जिस पुल का खुलने का इंतजार पूरे बिहार वासियों को था और खास तौर से पटना वासियों को। जी, हम मौजूद हैं दिघा एम्स एलिवेटेड रोड पर, जिसकी उद्घाटन जो है जल्दी होने वाली है। डेट हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि 12 किलोमीटर की दूरी यह पुल पूरी तरह से तय करता है और बहुत दिनों से यह बन रहा था। 2013 से इसकी बनने की शुरुआत हुई थी और अब 2020 आ चुका है। हालांकि फिर भी यह समय से पहले बनकर तैयार हो चुका है और आगे बहुत सारे डिटेल्स हैं जो आदेश भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको। पीछे आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक पुल जो है, रुकनपुरा पुल जो है, हमें दिख रहा है। और अब हमारे साथ आदेश जी। आदेश जी, थोड़ा डिटेल बताइए कब उद्घाटन होने वाला है और भी बातें। देखिए, 30 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है और बता दें आपको कि ये बिहार का सबसे लॉन्गेस्ट है ये पुल। और आपको बताएं कि ये दीघा घाट से एम्स को जोड़ेगा, यानी कि बाईपास बनाया गया, नया बाईपास, जिनको अगर पटना नहीं रुकना है या पटना को पार करना है तो वो सीधे इस पुल के माध्यम से पार कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पुल में कुछ खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी है कि इस पुल पटना के बहुत फासले से नहीं जुड़ा है। जैसे कि बताएं आपको, ये पुल मेरी रोड के ऊपर से पार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई चौराहा देना चाहिए था और इसको जोड़ना चाहिए था मेरी रोड से, कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो कम से कम एयरपोर्ट जा सके, पटना को जा सके। इतना बड़ा लंबा चौड़ा पुल बना है, शायद से मेरे ख्याल से इतना बड़ा आपको 4 लेन का पुल कहीं नहीं होगा। और आपको ये भी बताएं कि जो दीघा पुल है, आखिर हमने ये 4 लेन का सड़क बनाया है, दीघा पुल जो है 2 लेन का है, तो यहाँ से अगर ज़्यादा गाड़ियाँ जाती है तो दीघा लेन जो है वो डिस्टर्ब होगा। और दीघा लेन पर आपने मालवाहक ट्रक को आने जाने से मना कर दिया है, तो ये पुल जो है थोड़ा सा ये लगता है कि आखिर इसको जो इसका उपयोगिता जो है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो है पटनावासी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप दीघा से घुसेंगे सीधे पटना के बाहर एम्स निकलेंगे तो फिर। लेकिन तब भी बिहार में ये पहल हुआ, अच्छा पुल है, बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ है, लेकिन इसका कनेक्टिविटी कुछ शहर से भी देना चाहिए। बिल्कुल। और आपको उद्घाटन कब होना है आप? देखिए, 30 तारीख को होने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनका रोडवेज पर पुल पर काफ़ी ध्यान रहता है और अपने आप में ये बिहार के लिए काफ़ी एक कहें तो अच्छी सौगात है। और ऐसे रोड का जो शुरुआत है, पटना राजधानी है तो यहाँ ऐसा होना चाहिए। और शुरुआत में बिहार उद्घाटन में बिहार के जितने भी डिप्टी सीएम, बड़े पथ निर्माण मंत्री हैं, ये लोग सब भी रहेंगे और अच्छा विधिवत उद्घाटन इसका 30 तारीख को निर्धारित किया गया है। और इस पुल के बनने से जो है वो हम ये कहें कि पटना को जो पार करना, जो गांधी सेतु के माध्यम से बहुत मुश्किल होता था, इसके बाद से आसान जरूर होगा। तो यही है अपडेट अभी फिलहाल इसका। उद्घाटन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो भाषण इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं देंगे, क्योंकि प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट रखना है, बहुत कम लोगों के साथ रखना है। तो नीतीश कुमार इस बार इस पुल का उद्घाटन कैसे करेंगे? वो दीघा से शुरुआत करेंगे और एम्स तक जाएंगे, वो भी गाड़ी से। बस यही जो है उद्घाटन करने का तरीका होगा इस बार, तो ये भी बहुत अलग है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ के नज़ारे की बात करें तो एक बात तो इसमें बहुत अच्छी है कि इस पुल से जो है पूरा पटना जो है वो क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, यहाँ पर महसूस भी हो रहा है अच्छा, और काफ़ी लंबा पुल है तो लोग इसको एंजॉय भी काफ़ी अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अब फैमिली जो है पिकनिक स्पॉट बनाने जाती है दिघा, अब जो लोग रहते हैं एम्स साइड वो लोग सोचते हैं आने, क्योंकि अब भैया दिघा कौन जाएगा, इतना सुंदर पिकनिक स्पॉट तो बना है, तो फैमिली जो है वो जरूर जो एम्स में के साइड रहते हैं उस साइड वो उधर जाएंगे। दिघा स्पॉट जो है बहुत अच्छा स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली हम आपको बताना चाहेंगे, वो ये है कि अक्सर हमने देखा है कि जब भी पटना में कोई नए पुल बनते हैं या फिर कुछ ऐसा अलग से दिखता है तो लोग सेल्फीज़ लेने पहुंच जाते हैं। दिघा पुल की मैं घटना बताऊं तो कई बार वहां बहुत ही खतरनाक घटना घट चुके हैं और इसलिए वहां सेल्फी लेने से रोक दिया गया, और यही हाल यहां भी हो सकता है, क्योंकि एक ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है, यहां से पूरे पटना भले दिख रहा है लेकिन लोग कोशिश करेंगे कि हम पूरे पटना को अपने कैमरे में समाएं और सेल्फी लें, तो यहाँ भी रोक लग सकता है सेल्फी लेने को। इसलिए ऐसी हरकतें आप बिल्कुल ना करें, साफ तौर से पुल का यूज़ करें ताकि आपको आने जाने में इजी हो सके। सेल्फी या फिल्म बनाने के लिए इस पुल का यूज़ आप ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की खबर बस इतना ही, जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पहुँच पाएँ, चूँकि बहुत सिक्योरिटी रहेगा क्योंकि कोविड भी है, सब कुछ को ध्यान में रखना है। तो आप हमारे साथ